झारखंड और देश विदेश की खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। कल मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से पोड़ियाहाट विधायक श्री प्रदीप यादव जी ने औपचारिक मुलाकात कर सरकार के एक साल पूरे होने पर बधाई एवं नौ वर्ष की शुभकामनाएं दी। श्री प्रदीप यादव बोले, इस नई सरकार के बनते ही कोरोना जैसे महामारी का सामना हुआ और इस संघर्षपूर्ण दौरे में भी सरकार के द्वारा गरीब मजदूर के प्रति उठाए गए हर एक कदम से यह उभर कर सामने आया कि यह सरकार मजदूरों और मजलूमों की आवाज़ बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान कहा कि जिस ऊर्जा से हमने महामारी हुआ सीमित संसाधनों के बावजूद आगे बढ़ने का काम किया है, आगे के वर्ष इससे दुगनी ऊर्जा से आगे बढ़ने का काम करेंगे। रेल यात्रियों की बड़ी राहत, लॉकडाउन के दौरान बंद हुई ये पैसेंजर ट्रेनें फिर से चलेंगी। कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। स्थिति सामान्य होने के बाद धीरे धीरे ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। इसी कड़ी में रेलवे ने अब 10 जोड़ी ट्रेन का परिचालन दोबारा शुरू करने की योजना बनाई है। रेल मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दे दी है। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि जनवरी के पहले सप्ताह में अलग अलग ट्रेन चलेंगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने इन ट्रेनों को चलाने के लिए प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा था। इस प्रस्ताव को रेल मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है। इसमें रांची दुमका, टाटा हटिया, रांची टोरी, रांची लोहरदगा, खड़गपुर रांची, रांची लोहरदगा, मेनू हटिया, राउरकेला हटिया, टाटा पैसेंजर, आंध्रा बरकाकाना मेनू शामिल है। टाटा नगर स्टेशन में बड़ा हादसा टला, दो भागों में बट गई मालगाड़ी। टाटा नगर स्टेशन में बुधवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दोपहर लगभग 1 बजे कोयला लेकर जा रही एक मालगाड़ी बीच से दो भागों में बट गई। रेलवे अधिकारियों के माने तो प्लेटफॉर्म संख्या 3 से मालगाड़ी आदित्यपुर की ओर जा रही थी, तभी टाटा नगर रेलवे स्टेशन छोड़ने से पहले मालगाड़ी के दो भाग हो गए। इसके कारण इंजन से जुड़ा हुआ हिस्सा आगे बढ़ गया, जबकि कपलिंग टूटने से पीछे का हिस्सा थोड़ी दूर लुढ़क कर रास्ते में ही रुक गया। यह खबर है धनबाद से। कांग्रेस अनुशासन समिति ने कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा को किया शोकाज। धनबाद जिला कांग्रेस अनुशासन समिति ने कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा को शोकाज किया है। हाल ही में किसानों के समर्थन में केंद्रीय सरकार का पुतला फूकने और कई अन्य कारणों की वजह से समिति अध्यक्ष सुरेंद्र चंद्र झा ने स्पष्टीकरण करते हुए 5 दिन के अंदर अपना जवाब देने को कहा है। ऐसा न करने पर एक तरफा कार्रवाई की बात भी कही गई है। यह खबर है जमशेदपुर से। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नहीं चलेगी भारी वाहन, यह है प्रशासन का गाइडलाइन। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने नव वर्ष पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक लगा दी है, लेकिन शहरवासियों के उल्लास में खलल नहीं हो इसका ख्याल भी रखा गया है। इसी वजह से जिला प्रशासन ने नव वर्ष के मौके पर भारी वाहनों के जमशेदपुर शहर में आवागमन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके तहत 31 दिसंबर को शाम 5 बजे से रात 2 बजे तक और 1 जनवरी को सुबह 6 से रात 12 बजे तक सुबह से भारी वाहनों का परिचालन नहीं किया जाएगा। इस आशय के आदेश पर उपायुक्त सूरज कुमार के अलावा वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिल वानन व पुलिस उपाध्यक्ष बब्बन सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं। यह आदेश जिले के सभी वरीय पदाधिकारी के अलावा सभी थाना प्रभारी को भी प्रेषित कर दिया गया है, ताकि आदेश का क्रियान्वयन हो सके। यह खबर है धनबाद से। जिले के 371 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों का आईडी और पासवर्ड शिक्षा विभाग ने नहीं दिया है। जिले के 371 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को आईडी और पासवर्ड शिक्षा विभाग ने नहीं दिया है। आईटीई के तहत 1 से 8 कक्षा की मान्यता के लिए इन स्कूलों ने अब तक न तो आवेदन दिया और न ही ₹25,000 की फीस जमा की है। जैक से जिले के 639 सरकारी स्कूलों का ही आईडी और पासवर्ड प्राप्त हुआ है। आईडी पासवर्ड नहीं मिलने के कारण 371 प्राइवेट स्कूलों के करीब 16,000 बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन की चिंता बढ़ गई है। बताते चलें कि जिले के 1010 सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। यह खबर है रांची से। झारखंड डीजल ऑटो चालक महासंघ की AGM का स्थान बदला, अब निवारणपुर में होगी महासभा। झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक महासंघ के संस्थापक दिनेश सोनी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई। सर्वसम्मति से 4 जनवरी को होने वाले झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ की आम सभा का स्थान बदल दिया गया है। पहले यह आम सभा ड्यूक मेंशन लाइट टैंक रोड कार्यालय में रखी गई थी। कोविड महामारी को देखते हुए आम सभा अब निवारणपुर स्थित कार्यालय में करने का निर्णय लिया गया है।
अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एंड खेलों से। दुनिया के अंत का पहला संकेत महामारी, अब 2021 की भविष्यवाणी में यह तबाही। साल 2021 के बारे में नास्त्रेदम द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार अकाल, भूकंप, तरह तरह की बीमारियां और महामारी दुनिया के अंत के पहले संकेत होंगे, जो कि साल 2020 में कोरोना वायरस की महामारी इसकी शुरुआत मानी जा रही है। भविष्यवाणी के हिसाब से साल 2021 में एक ऐसा अकाल आएगा जिसका सामना दुनिया ने पहले कभी नहीं किया। इस तबाही से दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उभर नहीं पाएगा। सन 2021 में सूर्य की तबाही धरती के क्षतिग्रस्त होने के कारण बनेगी। वही जलवायु परिवर्तन से युद्ध और टकराव की स्थिति पैदा होगी। सामने आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में झगड़े शुरू होंगे, लोग पलायन करेंगे। इस नेता का आतंकी कनेक्शन आया सामने। हिजबुल के आतंकियों को दिए लाखों रुपए। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के यूथ विंग के अध्यक्ष वहीद उर रहमान पारा के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वहीद रहमान पर आतंकियों के साथ संबंध रखने का आरोप है। पत्नी को ईडी का दमन मिलते ही संजय राउत को याद आया लोकतंत्र। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना के सांसद संजय राउत की पत्नी को समन क्या भेजा, वो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे और खुद को नंगा घोषित कर दिया। यही नहीं, पत्नी को ईडी का समन मिलने के बाद संजय राउत को लोकतंत्र भी याद आ गया। ईडी के समन में आग बबूला संजय राउत ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वह इस तरह की चीजों से डरने वाले नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी वर्षा राउत के नाम सियासी विरोधी की वजह से समन भेजा गया है, ये लोकतंत्र में जायज नहीं है। जिनपिंग को नहीं थी भारत के क्वाड में बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद, भारत ने दिया जोरदार झटका। चीन की गुंडई से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, चाहे दक्षिण चीन सागर या पूर्वी चीन सागर का समुद्री मोर्चा या फिर भारत तिब्बत बॉर्डर का समुद्री मोर्चा हो। चीन ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों की नाक में दम करके रखा है। विशेषकर भारत के साथ वह बहुत ज्यादा ही बदतमीजी करता रहा था, क्योंकि उसे लगा कि भारत पलटने का जवाब नहीं देगा। लेकिन भारत ने सिर्फ पलट के जवाब दे रहा है, बल्कि चीन की आशाओं के ठीक विपरीत शक्तिशाली क्वाड समूह का एक सक्रिय सदस्य भी है। आयकर विभाग का दिल्ली में छापा, 14 करोड़ की नकदी और 2 करोड़ का सोना जब्त। आयकर विभाग ने दिल्ली में कई जगहों पर छापा मारा और बहुत सारी नकदी बरामद की है। दरअसल बहुत सारी सेल इकाइयों के जरिए पैसों को इधर से उधर घुमाने की घटना सामने आई थी। इन इकाइयों के जरिए फर्जी खरीद फरोख्त के बिल बनाए जा रहे थे और कई लेयर्स में बैंक खातों के जरिए पैसों का घुमाया जा रहा था। इन इकाइयों के 2 महीनों के बाद बंद कर दिया गया और नई इकाइयां खोल दी गई। महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर मुंबई कांग्रेस ने खड़े किए सवाल, सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र में मुंबई कांग्रेस के महासचिव विश्वबंधु राय ने MBA सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। इस बाबत उन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने MBA सरकार में कांग्रेस को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। शराब के शौकीन के लिए खास खबर, खुद पता लगा सकेंगे कि असली है या नकली, जानिए कैसे। शराब खरीदने वाला भी शराब की जांच कर सकेगा, शराब नकली तो नहीं है। इसके लिए आबकारी विभाग एक ऐप बना रहा है, जिसके माध्यम से पता चल सकेगा कि शराब का आबकारी टैक्स दिया गया है या नहीं। पड़ोसी राज्य हरियाणा में शराब सस्ती होने के कारण दिल्ली में इसकी बड़े स्तर पर कालाबाजारी होती है। प्रति वर्ष कई हजार लीटर अवैध शराब पकड़ी जाती है। अवैध शराब के आरोप में तमाम वाहन पकड़े जाते हैं, इनमें महंगी कारें तक शामिल है। एक ऐप तैयार किया जा रहा है, ऐप को लोड करने के बाद दुकान या किसी बार में जाने पर शराब की बोतल के लेबल को स्कैन किया जा सकेगा। इसके लिए शराब की बोतल पर लगने वाले लेबल पर विशेष तरह की इंक का उपयोग किया जाएगा। लेबल की छपाई सरकारी प्रेस में आबकारी विभाग स्वयं करेगा। विभाग की लेबल जारी करेगा जो दिल्ली के लिए तैयार होने वाली शराब पर शराब के कारखानों में भी लगाया जाएगा। नीतीश को ऑफर के बाद RJD का बड़ा दावा, JDU के 17 विधायक बगावत को तैयार। इस बीच राजद ने नीतीश कुमार को CM बनने का ऑफर देने के बाद बड़ा दावा किया है। राजद नेता श्याम रजक ने कहा कि जदयू के विधायकों में भाजपा की कार्यशैली से काफी नाराजगी है और जदयू के 17 विधायक राजद के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि ये जदयू विधायक जल्द ही राजद में शामिल होंगे। इससे पूर्व राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने नीतीश कुमार को राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने पर 2024 के लोकसभा चुनाव में PM के तौर पर उनका नाम आगे करने का बड़ा ऑफर दिया था।
देश को आज मिल सकती है कोरोना की वैक्सीन, कोविशील्ड को मंजूरी पर मीटिंग जारी। नए साल से पहले देशवासियों को कोरोना से लड़ाई के मोर्चे पर अच्छी खबर मिल सकती है। सूत्रों की माने तो भारत में आज ही कोविशील्ड वैक्सीन की मंजूरी मिल सकती है। शुरुआत में इस वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी जा सकती है। जदयू में टूट की खबरों को सीएम नीतीश ने बताया बेबुनियाद, कहा इन बातों में कोई दम नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी नेता श्याम राजा के उस बयान को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जनता दल यूनाइटेड के 17 विधायक उनके संपर्क में है और जल्द ही राष्ट्रीय जनता दल में शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि उनके पार्टी में किसी भी प्रकार की टूट नहीं होने वाली है और जो भी ऐसे दावे कर रहा है वो बेबुनियाद है। बकौल सीएम नीतीश कुमार, कोई भी किसी प्रकार का दावा कर रहा है सब बेबुनियाद है, कोई दम नहीं है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। किसानों ने फिर अपना खाना खाया, इस बार तोमर गोयल ने भी लाइन में लगकर लंगर के लिए मजे। कृषि कानून के विरोध के बीच किसान और सरकार के बीच बुधवार को सातवें दौर की बातचीत हुई। यह बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई, इसमें 40 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। बैठक के बीच में किसानों ने अपना खाना लाया था, लेकिन इस बार खास बात यह हुई कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने भी लाइन में लगकर लंगर का आनंद लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से की मुलाकात, नए वर्ष की दी शुभकामनाएं। वर्ष 2020 समाप्त हो रहा है, इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें घरेलू और अंतर्राज्यीय मामलों की जानकारी दी। उन्होंने वर्ष 2021 के लिए शुभकामनाएं दी जो भारत के लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य लाएगा, यह जानकारी राष्ट्रपति सचिवालय ने दी। गौरवतल है कि केंद्र सरकार और किसान संगठन के बीच कल सातवें दौर की बातचीत हो रही थी। वहीं दिल्ली में सीमाओं पर काफी संख्या में पंजाब और हरियाणा के किसान संगठन हाल में संसद में पास किए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे थे। IRCTC ने निकाला ये नया सस्ता पैकेज, नए साल में घूम आएंगे वैष्णो देवी। नए साल की अगर आप अच्छे से शुरुआत करना चाहते हैं तो फिर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म के इस पैकेज का फायदा ले सकते हैं। इस पैकेज के जरिए आप जम्मू कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं। वाराणसी और लखनऊ से चलेगी ट्रेन। पैकेज की ट्रेन वाराणसी से हर गुरुवार को चलेगी, बीच में यह ट्रेन लखनऊ भी रुकेगी। IRCTC ने इस पैकेज की सारी डिटेल जारी कर दी है। ट्रेन का नंबर 12237-12238 है। यह ट्रेन वाराणसी से दोपहर 12:40 पर प्रत्येक गुरुवार को चलेगी और शाम 6 लखनऊ पहुंचेगी। सरकार और किसानों के बीच दो मुद्दों पर रजामंदी, 4 जनवरी को होगी अगली बैठक। नए कृषि कानूनों को लेकर किसान नेता और केंद्र सरकार के बीच जारी सहमति बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक में किसानों की दो मांगों को सरकार ने मंजूर कर दिया है। सरकार पराली और बिजली सुधार के मुद्दे पर किसानों की मांग मानने को तैयार हो गई है, हालांकि बाकी बचे मुद्दों पर बातचीत 4 जनवरी को होने वाली बैठक में होगी। बताया जा रहा है कि केंद्र द्वारा दो मांगे मंजूर होने के बावजूद किसान नेता पूरी तरह सहमत नहीं है। सरकार की तरफ से कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है, लेकिन बैठक इस पर चर्चा के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका है। खबर खेल जगत से, ICC WTA रैंकिंग, टीम इंडिया दूसरे स्थान पर बरकरार, फाइनल की उम्मीदें कायम। टीम इंडिया ने मेलबर्न टेस्ट जीतकर स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अगले साल होने वाले फाइनल में खेलने की दौड़ में बरकरार रखा है। भारत अंक तालिका में दूसरे स्थान पर कायम है। भारत ने मेलबर्न में 8 विकेट से जीत के साथ 30 अंक हासिल किया। टीम के 390 अंक है और वह 72.2% अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बरकरार है। भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में हार और धीमी ओवर गति के लिए जुर्माने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम शीर्ष पर चल रही है, इसके 322 अंकों के साथ 76.6% अंक है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।